नमस्कार साथियों, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2012 में अभी फिलहाल ही में जो एग्ज़ाम करंट डेट में एग्ज़ाम लिया है उसके ये आंसर की बहुतों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, तो उसकी आंसर की मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। आज उसकी आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना कट ऑफ का क्या रहेगा, एवरेज एवरेज कैटेगरी वाइज हमारा होगा या नहीं होगा। तो साथियों बता देता हूँ कि पेपर था वो थोड़ा हार्ड पेपर आया है, तो साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं, पहले तो आंसर की के बारे में करेंगे अपन डिस्कस, उसके लास्ट में अपन कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या होगा हमारा, होगा या नहीं होगा, सीट कितनी है, कैसे क्या प्रोसेस है। तो देखिए साथियों पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्लोवर पत्ती मॉडल टीआरएनए के लिए किसने प्रतिपादित किया, ये मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होले 1968 में, 1968 में इसका जो क्या है कि इसको प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टू नंबर, विषाणु की लय जनकता लाइसोजेनी अवस्था में डीएनए का क्या होता है, विषाणु की लय जनकता यानी लाइसोजेनी अवस्था में डीएनए का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीवाणु के डीएनए से संलग्न हो जाता है, जीवाणु के डीएनए से क्या है कि संलग्न हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थ्री नंबर, निम्न में से किसका CO2 संतुलन तीव्रता बिंदु सर्वाधिक होता है, निम्न में से किसका CO2 संतुलन तीव्रता बिंदु सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन C3 प्लांटों में, C3 प्लांट्स का। तो जैसे CO2 का संतुलन तीव्रता बिंदु सर्वाधिक होता है, C3 प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर नंबर, एक ही पादप के एक पुष्प के परागण जब उसी पादप के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तब इस परागण क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस परागण क्रिया को अपन कहते हैं गैटेनोगैमी, गैटेनोगैमी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, बट इंग्लिश में दे दिया है, उसके जो ऑप्शन दिए हैं वो इंग्लिश में दे दिए हैं, तो क्या है कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हैं, मैं तो यही कहता हूँ, और आगे से हम इंग्लिश में ही अपडेट किया करेंगे, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका फाइव नंबर, द्वि निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, द्वि निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पाँच केंद्रक भाग लेते हैं। ठीक है द्वि निषेचन और उसमें त्रिसंलयन की क्रिया होती है, तो उसके अंतर्गत पांच क्या है कि जो केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिक्स नंबर, कोड अपहार्षित से तात्पर्य है, कोड अपहार्षित से तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई अमीनो अम्लों के लिए एक ही कोडोन, कई अमीनो अम्लों के लिए एक ही कोडोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेवन नंबर, डेंट्रिन नामक उपयोगी बाह्य कोशिकीय पॉलीसेकेराइड जो खाद्यों के स्थायी कारक के रूप में स्टार्च से प्राप्त होता है किस जीवाणु के संयोग से बनती है, किस जीवाणु के संयोग से बनती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बेसिलस मीसीरेंस, बेसिलस मीसीरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, सेचल संयुक्त चल बीजाणु प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाउचेरिया से, बाउचेरिया से क्या है कि ये सहचल संयुक्त चल बीजाणु है जो प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर, पॉलीसाइफोनिया में क्या सही है, पॉलीसाइफोनिया में क्या सही है। तो इसका पॉलीसाइफोनिया में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए ऑप्शन, चतुष्क बीजाणु द्विद एवं युग्मों को द्विद अवस्थाएं, स्वतंत्र अवस्थाएं हैं, स्वतंत्र अवस्थाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर, LSD किससे प्राप्त होता है, LSD किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया कवक से, पंजाई से LSD प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर, निम्न में से कौन संश्लिष्ट वंश के नाम से जाना जाता है, निम्न में से कौन संश्लिष्ट वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसिरोस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर, पुनर्जीवनी पादप हैं, पुनर्जीवनी पादप कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर, निम्न में से किसके बीज में एरिल पाया जाता है, निम्न में से किसके बीज में एरिल पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जायफल में एरिल पाया जाता है, जायफल में एरिन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर,
कमलमय परागण होता है, कमलमय किस प्रकार का परागण होता है, तो किस किन के द्वारा होता है कमलमय परागण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों से। कीटों इंसेक्ट जो होते हैं वो कमलमय परागण करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर, प्लवक तृणक एवं नितलक किस तंत्र के घटक नहीं है। प्लवक तृणक एवं नितलक किस तंत्र के घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए आजा भी हुआ है और रिपीट भी हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना पारिस्थितिकी तंत्र, ये बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जन्मजात उपापचयी विकृतियों का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आर्चिबाल्ड गेरार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 नंबर, एक द्वे बीज पत्री जिसके बीज में एक भी बीज पत्र नहीं होता का नाम है, कौन सा क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिरंजक कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने में प्रयोग नहीं आता है, कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने में प्रयोग नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्रेनिन इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी करते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सेफ्रेनिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, निम्न में से कौन मोनोकार्पिक पादप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं मोनोकार्पिक पादप है, तो इसका राइट गेहूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिल्कुल, लॉडिक्यूल्स हैं मैंने बताया भी था, तो इसका राइट आंसर है परिदलपुंज, इसका राइट करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21, खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे कहाँ पर स्थान पाते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उत्पादक में पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22, किस घटपर्णी पादप में मिरमिकोफिली स्पष्ट नजर आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डिस्चीरिया मेजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23, लक्षणों की संख्या पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाता है, लक्षणों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ए बी क्वेश्चन 23 रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24, आरएच बिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में सभी ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी शैवालों को कितने जगत में सम्मिलित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन जगतों में सम्मिलित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25, जैविक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जीव, ए भी रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ए भी रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, कैरेजिनिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27, प्लेग किससे फैलता है, प्लेग नामक जो बीमारी है वो किससे फैलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, प्लेग नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे प्लेग नामक बीमारी फैलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, क्रोमेसियस एक स्वयं पोषित प्रकाश संश्लेषी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जो कि जल में मिलता है, एक हरे गंधक जीवाणु है, यानी स्वपोषित है, आपको प्रकाश संश्लेषी पूछ रहा है तो हरे क्लोरोफिल तो पाया जाएगा, तो इसलिए हरे जीवाणु करने ना आपका राइट आंसर हो जाता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, हाल ही जून 2022 में कैरेबियन क्षेत्र के सदाबहार दलदल में एक सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई थी, ये सबसे बड़ा जीवाणु है, उसका नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन थायो मार्गेरिटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30, रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, रेड ड्रॉप प्रभाव फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से संबंधित है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31, एक पूर्ण स्फीत कोशिका में किसका मान शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया चूषण दाब का मान शून्य होगा, जो चूषण दाब है उसका मान शून्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32, कॉपर निम्न में से किस में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन
प्लेस्टोसाइनिन, प्लेस्टोसाइनिन में मिलता है कॉपर, निम्न में से किस में मिलता है, प्लेस्टोसाइनिन में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 33, केल्विन चक्र में कौन से स्तर पर अपचयन क्रिया संपन्न होती है, कौन से स्तर पर अपचयन क्रिया होती संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1,3-डाई PGA से 3-PGAL बनते समय, 3-PGAL बनते समय सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34, CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए कुल कितने ATP एवं NADPH2 की आवश्यकता होती है, कुल कितने NAD और NADPH2 की आवश्यकता होती है, ATP और NADPH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35, प्रकाश संश्लेषण पर O2 के प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण पर O2 के प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार वर्ग प्रभाव। बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36, एल्कोहल के निर्माण हेतु किण्वन में ग्लाइकोलाइसिस के किस उत्पाद को काम में लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के किस उत्पाद को काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया NADH2 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37, निम्न में से किसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोष मिलता है, निम्न में से किसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोष मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंडोक्सा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38, किरमीर भ्रूण कोष मिलता है, किसमें मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मक्का में किरमीर भ्रूण कोष मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39, ओइनोथीरा लेमार्कियाना में भ्रूण एवं भ्रूण कोष की प्लोइडी क्रम से होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 2N एवं 2N। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40, जीर्णता में विलंब किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साइटोकाइनिन। जीर्णता में विलंब किसकी वजह से होता है, साइटोकाइनिन की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41, माइलोमा हाइब्रिडोमा का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एंटीबॉडी बनने वाली बी कोशिकाओं के एक कैंसर कोशिका के संयोजन से, एंटीबॉडी बनने वाली बी कोशिकाओं के एक कैंसर कोशिका के बनने से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42, निम्न में से सही युग्म पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आरएनए निर्माण के लिए डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए पॉलीमरेज का आगे बढ़ते हुए राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43, AUG एवं GUG कोडोन संबंधित है, कोडोन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रृंखला आरंभिक कोडोन है ये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44, वह कोशिकीय मूलावास तिरछे पट सहित किसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45, एक लाल फल वाले टमाटर के पौधे तथा पीले फल वाले के संकरण से 173 पौधे प्राप्त हुए, जिसमें से 84 लाल एवं 89 पीले फल लगे, जिनकी जीनी संरचना पूछिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल R स्मॉल R इन टू का संकरण कराएंगे स्मॉल R से। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46, मेंडल के द्वितीय नियम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम के विपरीत, जिसमें संतति 9:3:3:1 के स्थान पर 15:3:1 में यदि प्राप्त हो तो इस जीन अनुन्य क्रिया को क्या नाम दिया जाएगा। तो इस जीन अनुन्य क्रिया को दो कारक जीन अनुन्य क्रिया नाम दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47, एक 2N=12 क्रोमोसोम वाली कोशिका के परागकण मात्र कोशिका एवं प्राइमरी भ्रूण पोष कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 12 एवं 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र समसूत्री मेटाफेज की संख्या से दुगने नजर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, अर्धसूत्री
अर्धसूत्री एनाफेज सेकंड में, अर्धसूत्री एनाफेज सेकंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49, मक्का में रंगदार भ्रूण पोष सी श्वेत स्मॉल सी पर प्रभावी है तथा भरा हुआ भ्रूण पोष स्मॉल यानी कैपिटल एस सिकुड़े हुए स्मॉल एस पर प्रभावी है। एक शुद्ध रंगदार सिकुड़े हुए का संकरण श्वेत भरे हुए से कराने के बाद उत्पन्न एफ वन का श्वेत सिकुड़े हुए से संकरण कराने पर निम्न अनुपात में संतति प्राप्त होती है। रंगदार सिकुड़े हुए 3149, रंगदार भरे हुए बराबर 120, श्वेत सिकुड़े हुए 115 एवं श्वेत भरे हुए 3334। उपरोक्त संकरण के परिणाम किस लक्षण को दर्शाते हैं? उपरोक्त संकरण के परिणाम किस लक्षण को दर्शाते हैं? तो ये बहुत टॉपिक बहुत ही उससे आया है, मतलब पैराग्राफ दिया है, तो क्या है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंशिक संलग्नता, आंशिक संलग्नता, क्योंकि पढ़ने में भी जोर आ रहा होगा इतना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 50 नंबर, निम्न में से किसमें लिंग निर्धारण एक्स वाई नर विधि से होता है? एक्स वाई नर विधि से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मेलेंड्रियम एल्बम, मेलेंड्रियम एल्बम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, कौन सा रसायन पौधों में उत्परिवर्तन करने में सक्षम है यदि बाहर से छिड़का जाए? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ईएमएस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52, एमेर आयनकॉन एवं बल्गेयर गेहूं की किस्मों में क्रोमोसोम संख्या क्रम से होगी? क्रोमोसोम की संख्या पूछिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14, 28 और 42। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53, हर्बेरियम सीट की मानक साइज क्या होती है? हर्बेरियम सीट की मानक साइज क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54, फ्री सेंट्रल बीजाण्डन्यास किससे में मिलता है? फ्री सेंट्रल बीजाण्डन्यास किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, कैरियोफिल्लेसी में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55, काला जीरा जिसे खाने में एवं अचार में उपयोग किया जाता है किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनन कुलेसी कुल से संबंधित है, रेनन कुलेसी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56, ट्रांसलेटर क्रिया विधि किस में पाई जाती है? ट्रांसलेटर क्रिया विधि क्या है कि कैलोट्रोपिस प्रोवोसेरा में पाई जाती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, ट्रांसलेटर रिपीट भी हुआ है, ट्रांसलेटर क्रिया विधि किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, कैलोट्रोपिस प्रोवोसेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57, ये आपको सूत्र दिया है किस कुल का पुष्प सूत्र है? ये आपको सूत्र दिया है किस कुल का पुष्प सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीमियेसी कुल का पुष्प सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58, जामुन के फल का प्रकार है, जामुन किस प्रकार के फल है? तो अष्ट फलनुमा होता है, जामुन अष्ट ही फलनुमा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59, ध्वजक पुष्प दल विन्यास किसकी विशेषता है? ध्वजक पुष्प दल विन्यास किसकी विशेषता है? तो विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पेपिलियोनिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60 नंबर, युक्त कोशी संपोसंगी एवं बहुसंगी अवस्था क्रम से पाई जाती है किस कुल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एस्ट्रेसी कुकरबिटेसी एवं रूटेसी, एस्ट्रेसी कुकरबिटेसी एंड रूटेसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 61, घाव के बनने में कौन सा विभजूतक काम में आता है? घाव के बनने में कौन सा विभजूतक काम में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, द्वितीय पार्श्व विभजूतक काम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62, ऊतक जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये बिल्कुल रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंस डीन के द्वारा ऊतक जन सिद्धांत का है कि थ्योरी दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63, कपास का रेखा एक सत्य रेशा नहीं है, कपास का रेशा एक सत्य रेशा नहीं है क्योंकि यह नहीं है, क्योंकि यह नहीं है लेकिन नियुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64, एक द्वितीयक वृद्धि युक्त तने में प्रोटोजाइलम की स्थिति हमेशा फैसिकुलर कैम्बियम से दूर होती है,
हमेशा वेजिकुलर कैम्बियन से दूर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 65, जंतुओं द्वारा क्या नहीं चरा जाता, जंतुओं द्वारा क्या नहीं चरा जाता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बहुत पुराना द्वितीयक जाइलम, बहुत पुराना द्वितीयक जाइलम, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66, रेत में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, रेत में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, सेंटोफाइट्स कहलाते हैं, सेंटोफाइट्स कहलाते हैं। मतलब 60 से तो सिंपल क्वेश्चन आए आगे के, बिल्कुल जो रिपीट ज़्यादातर हुए हैं वो क्वेश्चन आए 60 के बाद, इससे आगे थोड़े हार्ड थे और इससे बाद के बिल्कुल सिंपल है 60 के बाद। तो इसका सेंटोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 67, पत्तियों के किनारे पर गुलित लवण पानी से उड़ जाने के बाद छूट जाता है जाते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है। तो इसकी प्रक्रिया का नाम बिंदु स्राव है, बिंदु स्राव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68, संचित भोज्य पदार्थ वांछित स्थान तक किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है, किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69, ओलियोगम रेजिन का उदाहरण है, ओलियोगम रेजिन का उदाहरण आपका हींग, ओलियोगम रेजिन का उदाहरण आपका हींग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 70 नंबर, सह कोशिकाएँ पाई जाती हैं, आवर्त बीजियों में सह कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 71, वाणिज्यिक स्तर पर कॉर्क किससे प्राप्त होता है, कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्यूरकस सुबर से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 72, एमपी क्राइवल अथवा एगनेटोसेंट्री सम्मेहन पूल निम्न में से किस में मिलते हैं, निम्न में से किस में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कुछ टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73, किस समुद्रविद में वायु मृदुतक प्रचुर मात्रा में मिलता है, किस समुद्रविद में वायु मृदुतक प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केन्ना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 74, पान के पत्ते पर लगाए जाने वाला कत्था जो रंग एवं स्तंभक का भी कार्य करता है किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकेंसिया कैटेचू की अंतकाष्ठ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75, कौन पूर्ण शक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दृढ़ ऊतक जो क्या है कि पूर्ण शक्ति नहीं है, दृढ़ ऊतक पूर्ण शक्ति नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76, एक माइक्रोमीटर म्यू माइक्रोन प्रति माइक्रोन म्यू किसके तुल्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10^-4 सेमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 77, निम्न में से किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा व्यय होती है, निम्न में से किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा व्यय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है, तो एडवर्ड जेनर है वो क्या है कि चेचक के टीके से संबंधित है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 79, क्लोरोफिल ए ई और बीटा कैरोटीन जेंथोफिल वर्णक एवं तेलीय वसा ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमेरिन यन स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ किस शैवाल वर्ग की विशेषता है, किस शैवाल वर्ग की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेंथोफाइसी शैवाल की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 80 नंबर, लिटमस पेपर निर्माण के लिए किस लाइकेन के अभिरंजक को कार्य में लेते हैं, लिटमस पेपर निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोसेला इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 81, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, वेरी वेरी ये क्या है, सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 82, विटामिन ए का स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत गाजर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83, 1926 में जेवी सुमनर ने सर्वप्रथम यूरेज एंजाइम की रासायनिक संरचना खोजी थी, इस यूरेज एंजाइम को किससे पृथक किया गया था, किससे पृथक किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी सैम के द्वारा पृथक किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है आपका 84, मैकेलेज स्थिरांक का मान कम हो तो एंजाइम का क्रियाघर के प्रति
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अधिक लगाव होता है, अधिक लगाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85। जीनी अभियांत्रिकी द्वारा निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक स्तर पर पैदा नहीं किया जा सकता, कौन सा वाणिज्यिक स्तर पर पैदा नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी वाणिज्यिक स्तर पर पैदा नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 86। अवनत विदलन में डीएनए के सिरे होते हैं, अवनत विदलन में डीएनए के सिरे सहसंयोजक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87। पीसीआर में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसके अंतर्गत किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टॉपोआइसोमरेज की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 88। डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन के मिश्रण में किसी प्रोटीन विशेष की उपस्थिति ज्ञात करने की विधि है, कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग विधि, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 89। प्रॉब बने होते हैं, प्रॉब किसके बने होते हैं, चिन्हक न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जो चिन्हक होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19। PVR322 किसका प्रकार है, PVR322 किसका प्रकार है, तो ये बाक है, वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91। डीएनए उंगली छापन निम्न हेतु एक उपयोगी तकनीक है, डीएनए उंगली छापन निम्न हेतु एक उपयोगी तकनीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 92। प्रतिबंध एंजाइम है, जो रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या कार्य करता है, तो वो क्या है, सी ऑप्शन, डीएनए को विशिष्ट आधार अनुक्रम पर काटते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आया है 60 से, तो बिल्कुल इधर के दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93। अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए सूत्र का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ATACG हो तो mRNA में अनुक्रम होगा, तो mRNA में अनुक्रम होगा, इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, UAUGC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94। अनुलेखन की किस अवस्था पर आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आरएनए निर्माण के दीर्घीकरण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95। आधुनिक जीव विज्ञान में सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत जो है उसके अनुसार क्या है, तो डीएनए से तो आरएनए बन जाएगा और आरएनए से डीएनए भी बन जाएगा और उधर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 96। प्रोटीन निर्माण के लिए क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोड एमआरएनए पर स्थानांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97। असमान क्षारक युक्त डीएनए कौन से डीएनए में संभव है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसमें क्या है, संभव है, असमान क्षारक युक्त डीएनए किस कौन से डीएनए से संभव है, तो इसका ये आंसर इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 98। कौन से दो पौधे एक ही कुल के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट, आम एवं काजू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99। लाल रक्त चंदन का वानस्पतिक नाम है टेरोकार्पस सेंटेलाइनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100। मुलेटी का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ग्लाइसी राइजा गिलेवरा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आंसर की अभी रिवाइज आंसर की के अनुसार कुछ क्वेश्चन वो क्या है कि अभी सही भी जो इसमें इस आंसर की के अनुसार गलत भी हो सकते हैं, तो वो एक बार फिर वापस अगर इश्यूर होगा तो हम वापस करवाएंगे, नहीं तो ये आंसर की के अनुसार जिसके भी मतलब ओबीसी कैटेगरी से है तो उसे तो 75 नंबर लाने की आवश्यकता है, 75 एवरेज में आ रहे होंगे उसका हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी, और जो क्या है कि जनरल कैटेगरी है उनके 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए इस एग्ज़ाम के अंतर्गत, और जो क्या है कि एससी कैटेगरी से हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका 56 पे हो जाएगा और एससी के हैं उनका 60 पे हो जाएगा, तो ये हमारी कट ऑफ रहेगी लगभग एवरेज, जिनके 70 के एवरेज क्वेश्चन सही हैं उनका मतलब होने के चांसेस हैं,
और भी कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया की लिंक दी हुई है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ हमेशा आपके साथ रहूँगा, नो टेंशन रहे, कोई भी समस्या के लिए मेरा कॉन्टेक्ट भी दिया है, व्हाट्सअप या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोई भी समस्या आती है आपको कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।